हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिवियंग टीवी व्लॉग्स। एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जी आज मैं आपको जिस चीज का रिव्यू देने वाली हूँ वो है एक ड्रोन। जी हाँ, ड्रोन तो वो आ गया है अब मेरे पास और इसको सबसे ज्यादा लाइक करते हैं लोग और ये एक प्रो ड्रोन है। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कौन सा है वो ड्रोन। DJI Mini 3 Pro, इसे प्रो इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल ड्रोन है। तो चलिए करते हैं अब हम इसका अनबॉक्सिंग। तो ये है DJI RC, दिखता है कुछ इस तरह से, हमें ग्रे मैट कलर में देखने के लिए मिल जाता है। और ये है इसका स्क्रीन जो कि इनबिल्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं तो फोन को कनेक्ट करना पड़ता है, ये ऐसा नहीं है, इसमें ही दिया गया है। तो ये जो बटन है इसके बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ। ये वाला जो बटन है ये इससे स्टार्ट हो जाता है और ये देखिए मैंने प्रेस कर दिया तो पता चलता है इसकी बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी नहीं। उसके बाद ये वाला जो बटन है अगर हम वन टाइम प्रेस करते हैं तो ये जो ड्रोन है स्टेबल हो जाता है और फिर सेकेंड टाइम इसे प्रेस करके रखते हैं तो रिटर्न टू होम, ये जो हमारा ड्रोन हमने भेजा है ये ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जाता है बटन प्रेस करने के बाद। उसके बाद ये है जॉयस्टिक के, यही से हमें ऑपरेट करना है। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ उसके बाद बताती हूँ। तो ये देखिए जब हम ड्रोन को भेजते हैं अगर आपको पैसिफिक कोई फोटो कैप्चर करना है तो दैट टाइम आपको ये जो बटन है प्रेस करना है तो एक आपको पिक्चर प्रॉपरली आ जाएगा आपके पास। उसके बाद ये है शूटिंग का बटन, तो ये बटन अगर आप प्रेस करते हो तो शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये यहाँ पर एंटीनाज है इस ड्रोन के यहाँ पर दिए गए हैं और ये वाले जो बटन है ये आप पिक्चर को यहाँ से जूम कर सकते हो और ये जो वाला है इसका जो कैमरा है गिम्बल को अप एंड डाउन कर सकते हो यहाँ से, आपको जस्ट इसे ऐसे घुमाना है। उसके बाद आपको बता देती हूँ ये जो बटन है C1 C2 ये कस्टमाइज बटन है तो आप आपके हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये देखिए इसमें SD कार्ड हमें डालना है तो SD कार्ड के लिए यहाँ पे ये जगह दी गई है। देखिए SD कार्ड हमें यहीं से डालना है और ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हो तो ये केबल आप यहाँ पर लगा के आपका फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। तो 2-in-1 यूज़ है, एक तरफ है SD कार्ड का स्लॉट और दूसरी तरफ से आप आपके फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हो। और यहाँ पर थर्ड ये वाला जो आप देख रहे हो ये है इसको चार्ज करने का केबल, आपको यहीं से लगाना है। तो इतने सारे हमको यहाँ पर मिल जाते हैं फंक्शन। तो ये वाला है जॉयस्टिक का, इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए इसे मैंने निकाल लिए हैं, ये इस तरह से होते हैं, सिल्वर कलर में आपको मिल जाते हैं। तो इसे हमें लगाना है इस तरह से, जस्ट घुमाना है, बहुत इजी है इसे लगाना। ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है तो आप इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये है इसका मेन ड्रोन, दिखता है कुछ इस तरह से और ये है 249 ग्राम का, बहुत ही हल्का है और रियल में ये बहुत ही ज़्यादा प्रो है। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये हमें इसके जो ब्लेड से देखने के लिए मिल जाते हैं ये है यहाँ पर ब्लैक कलर के इस तरह से, और ये जो आप ये रेड कलर का देख रहे हो ये यहाँ पर पहले नहीं था, मैंने इसे लगवाया है क्योंकि इसमें कोई मैग्नेटिक डस्ट ना जाए और मोटर है इसकी ख़राब ना हो, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे लगाया है। सेकंड बढ़ते हैं, ये देखिए इसका गिम्बल प्रोटेक्टर। ये देखिए पहली बात तो आपको ध्यान में ये रखना है, आप कभी भी शूटिंग करो सबसे पहले आपको इसे निकालना है, उसके बाद ही आपको शूटिंग करनी है। तो ये अब हम निकाल देते हैं।
तो ये है यहाँ पर इसका कैमरा जो कि 48 मेगापिक्सल का है इसका कैमरा। तो इसमें आप 4K की वीडियोस ले सकते हैं और फोटोज भी ले सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया फुटेज हमें यहाँ पर मिलती है। आप इसमें ट्रू वर्टिकल शूटिंग भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए आपको बहुत ही काम आएगा इसका। तो और इसमें सेंसर्स भी दिए गए हैं, आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पीछे 2 सेंसर है, यहाँ पर 2 सेंसर है और यहाँ पर भी 2 सेंसर दिए गए हैं। इसको कहते हैं ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर कहा जाता है इसे। और ये है यहाँ पर, ये जो आप फैन ऐसे देख रहे हो यहाँ पर, ये क्यों दिया जाता है, तो वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि जब हम इसे बहुत ज़्यादा ऊपर भेजते हैं ना तो बहुत इसकी जो बैटरी है वो गर्म हो जाती है, तो उसके लिए वेंटिलेशन के लिए ये दिया गया है। इसके ऊपर DJI लिखा है, ये बटन है, 1 टाइम प्रेस करते हो आपको पता चल जाएगा इसकी बैटरी कितनी चार्ज है कितनी नहीं। सेकेंड टाइम अगर आप इसको प्रेस करते हो तो हमारा ये जो ड्रोन है ये हो जाता है ऑन। और ये देखिए, बता देती हूँ, यहाँ पर आप SD कार्ड डालने के लिए जगह दी गई है। और ये है यहाँ पर चार्जिंग के लिए, तो आप सी टाइप का चार्जर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जब हम इसे फ्लाई करते हैं, जो भी डाटा है इसके अंदर आपको आपके लैपटॉप में इसको ट्रांसफ़र करना है, तो आप यहीं से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। और ये बैटरी के लिए दिया गया है यहाँ पर कंपार्टमेंट। तो ये देखिए, ये जो दोनों साइड में दिया है ना, इसे हमें इस तरह से प्रेस करना है, तो ये जो बैटरी है ये इस तरह से निकल आती है। तो बैटरी भी बता देती हूँ आपको, इसकी जो बैटरी है दिखती है कुछ इस तरह से। इसके यहाँ पर लिखा है 249 ग्राम। ये 249 ग्राम का होने की वजह से आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और इसलिए सबसे ज़्यादा इस ड्रोन का ही सेल हुआ है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी ड्रोन को पसंद करते हैं। और एक चीज़ बता देती हूँ कि जहाँ पर भी हम इसे उड़ाते हैं तो ये मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो होता है, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट का होता है, तो वहाँ पर आप इसे उड़ा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको इमीडिएटली जैसे ही आप इसे ऑन करोगे ना, आपको इस स्क्रीन पे इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप यहाँ पर नहीं उड़ा सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे ये ड्रोन, उड़ाने में बहुत मज़ा आता है इसमें। तो इसको रख देते हैं साइड में। और एक चीज़ बता देती हूँ, आप ये जो यहाँ पर लाइट्स देख रहे हो ना, जब भी आप इसे रात के टाइम पर फ्लाई करते हो तो आपको इसके जो लाइट्स है ना बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये है यहाँ पर लेज़र सेंसर, सेम ऐसे ही सेंसर टेलो में भी मैंने आपको दिखाए थे, तो ये इसलिए आता है लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इसका काम में आता है, बाकी कोई इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर इसे रख देती हूँ। और इस ड्रोन के साथ मेरे पास ये भी आया है, इसे कहते हैं फ्लाई मोड किट। तो ये दिखता है कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती है बताती हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले ये है इसकी बैटरी, यहाँ पर लिखा है DJI, ठीक है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर मैंने मेरे लिए लिखा है A1, A2, A3, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगा इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पर एक स्विच है, अगर इसे हम इस तरह से दबाते हैं ना तो देखिए लाइट्स ऑन हो जाते हैं, तो यहाँ से पता चलता है बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी नहीं, ठीक है। ये वाला है, तो इसको चार्ज करने के लिए आपको सी टाइप का जो केबल आता है यहाँ से कनेक्ट करना है, तो ये चार्जिंग को आप लगा सकते हो। ये क्यों दिया है, तो ये है इसकी, इसके साथ हमें ये केबल भी मिलती है, तो यहाँ पर ये वाली जो केबल है हम यहाँ पर इसे लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको एक निकाल के आपको दिखाती हूँ ये दिखती कैसी है। तो ये देखिए, ये दिखती है कुछ इस तरह से इसकी जो बैटरी है वो। तो ये जो बैटरी है ये है 18 वाट आवर्स की है, और ये 7.3 वोल्ट की है, और ये 3.43 एम्पियर की है। और अगर आप इसे चार्ज कर देते हो तो आपको 34 मिनट्स का टाइम मिल जाता है इसको फ्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये मिलता है कुछ इस तरह से। तो इसे अभी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और इसको रख देते हैं साइड में। ये 3 बैटरीज आती हैं, ये एक ब्लैक केबल हमें इसकी मिलती है इसके साथ। सेकेंड ये है इसके ब्लेड्स, तो ब्लेड्स कितने मिलते हैं, 1, 2 पैकेट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये इतने हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ये है इसका स्क्रू ड्राइवर, तो ये जो ब्लेड्स है ना, इनकेस ये डैमेज वगैरह कुछ होते हैं तो इन्हें रिप्लेस हम इस स्क्रू ड्राइवर से कर सकते हैं। और ये है यूजर मैनुअल इसके साथ। चलिए इसको उड़ाते हैं, कैसे दिखता है बताती हूँ। तो ये वाली जो बैटरी है सबसे पहले हम इसमें लगा देते हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन ऊपर होना चाहिए, इसे लगाना बहुत ही ईजी है इस तरह से।
टक आवाज आया, इट्स बीन, ये फिक्स हो गई है। तो चलिए इससे लेते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फुटेज। आपको मैं इसके प्राइस के बारे में बता देती हूँ। इंडिया में इस ड्रोन का प्राइस है 1,19,999, ठीक है। तो ये है इंडिया का प्राइस और मैं अभी आप लोगों को मेरा ओपिनियन दे देती हूँ। ये वाला जो ड्रोन है वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है मुझे लगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ड्रोन्स की वीडियो बनाए हुए हैं, मेरे पास वो ड्रोन है, तो उनको कंपेयर करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया ड्रोन है। इसमें इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है इसमें है एक्टिव ट्रैकिंग का मोड, इतना बेस्ट है ना, मैंने इसके पहले कभी देखा नहीं। तो इसमें एक्टिव ट्रैकिंग का मोड मिल जाता है, मास्टर शॉट्स भी आप इसमें ले सकते हो, हाइपर लैप भी इसमें दिए गए हैं। आज तक के किसी भी ड्रोन में ये फीचर मैंने नहीं देखे, इसमें ही है वो, इसलिए इस ड्रोन को कहा जाता है कि प्रो ड्रोन, ठीक है। और एक बात बताती हूँ कि फ्लाइंग करते हुए ये डिसकनेक्ट हो जाता है, तो क्यों होता है, क्योंकि सिटी में 2G 4G के टावर्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, तो इसके वजह से ये हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न टू होम आ जाता है। पर अगर वैसे ही आप माउंटेंस पे जा रहे हो, कोई हिल स्टेशन में जा रहे हो, तो यहाँ पर वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आता है, इतना बेस्ट चलता है। पर मुझे अभी तक तो इतना दिक्कत नहीं आया है इसके साथ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है ये ड्रोन। इसको मतलब लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसके साथ मैंने इतने बढ़िया बढ़िया वीडियोस लिए हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी इसकी वीडियोस। तो आपको इसकी वीडियोस तो मैं अभी डाल दूँगी, पर इसके आगे भी शॉर्ट्स वीडियो में भी मैं इसकी वीडियोज़ डालती रहूँगी। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।